मेरा जी जी मेरी बहू तो इतनी अच्छी कि मैं यूं थूकूं तो वो यूं ओट ले, मेरी सास की फ्रेंड ने कहा। वेलकम गाइस, वेलकम टू माय चैनल कविता गोयल्स वर्ल्ड। तो गाइस, आपको मेरे पहले वाले जो वीडियोस हैं वो आपको कैसे लगे? आपने इतने अच्छे अच्छे कमेंट उनमें दिए हुए हैं, और आपको मेरे ये जो टॉपिक है जो मैं आप बताती हूँ अपने जीवन से रिलेटेड, ये आपको बहुत अच्छे लग रहे हैं। तो थैंक यू सो मच, और आप इतना अच्छा कॉपरेट कर रहे हैं, इतनी अच्छी मतलब कमेंट्स कर रहे हैं, और इतने अच्छे उसके व्यू हैं। हालांकि मेरे अभी 500 भी नहीं सब्सक्राइबर हुए, एंड उसमें 700, 500 इतने सारे व्यूज़ उसमें चैनल में हो रखे हैं, तो मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो थैंक यू सो मच कि आपको मेरा ये जो वीडियोज़ हैं जो मोटिवेशन वाले हैं और जो मेरी जीवनी के ऊपर आधारित हैं, ये आपको अच्छे लग रहे हैं। तो आज का टॉपिक है हमारा कि वही सास बहू से ही रिलेटेड है, लेकिन आज कुछ अलग हटके है। कि जैसे कंप्लेंट रहती हैं सारी बहुओं को कि हमारी सास तो हमारी तारीफ नहीं करती, हमारी सास तो हमारी तारीफ नहीं करती, हम इतना करते हैं, हम ये करते हैं, हम वो करते हैं तो हमारी तारीफ नहीं करती। तो उससे ही रिलेटेड मैं आपको बताना चाह रही हूँ, वो तारीफ क्यों नहीं करती। उनके मन के अंदर होता है कि भाई मेरी बहू देखो कितनी अच्छी है, लेकिन वो तारीफ नहीं करती किसी के आगे भी, और एक मन के अंदर ही रखती है। वो शायद वो तुम्हारे सामने ना करती हूँ, वो शायद वो पीछे करती हूँ, किसी और के साथ करती हूँ तारीफ तुम्हारी, बट वो तुम्हारे सामने नहीं करती। ये 100% है, इसको मैं बोल सकती हूँ कि 100% ये श्योर है, ये सत्य है, ये बिल्कुल करेक्ट है कि वो आपके सामने तारीफ नहीं करेंगी, पीछे जरूर करेंगी। तो ये इंसिडेंस है कि एक जो मेरी सासू, जो मेरी सासू माँ है, एक नहीं जो मेरी सासू माँ एक ही थी मेरी सासू माँ, तो जो मेरी सासू माँ है उनकी 3 सहेलियाँ थी। अब 3 सहेलियाँ थी तो मैं सॉरी बोल रही हूँ, क्योंकि मेरे को पहले इन सब चीज़ों के बारे में पता नहीं था। तो जैसे ये होते बामनी होती है, नायन होते हैं और सुनारी होती हैं, इनके बारे में मुझे पता नहीं था। तो सॉरी अगर मैं इस चीज़ से रिलेट कर रही हूँ तो मैं इस चीज़ के लिए मैं माफ़ी चाहूँगी, लेकिन बताना पड़ेगा। तो कोई जाति वाति का कोई इसमें कोई चक्कर नहीं है। तो ऐसे जब मैं नई नई शादी होकर के आई थी, आपको बताइए प्रीवियस उसमें मैंने बताया था कि मैं सेंट्रल स्कूल से हूँ, केंद्रीय विद्यालय से हूँ, तो स्कर्ट्स पहनते थे हम। शादी होकर के आए तो यहाँ इधर पहननी पड़ी साड़ी। अब मैं इनको इतना प्यार करती हूँ, इतना प्यार करती हूँ, इनके लिए सेक्रीफाइस करने के लिए हर एक तरह से तैयार रहती थी मैं। तो मैंने बड़े शौक से साड़ी पहनना सीखा, साड़ी बांधना सीखा, साड़ी ली, फिर उसके बाद मैंने पल्ला रखना सीखा, जो मैं पल्ले के सबसे अगेंस्ट होती थी मैं, कि पल्ला नो पल्ला। तो मैंने पल्ला भी रखा, क्यों? बिकॉज आई लव हिम, मैं आज भी उनको बहुत प्यार करती हूँ और उनके लिए सब कुछ करने को तैयार होती हूँ। तो सर पे पल्ला भी रखा, पाजेब भी पहनी, चूड़ियाँ भी भर भर के पहनी, सब कुछ मतलब किया। और जो मतलब जो काम मैंने अपने मायके में नहीं किया था वो सारे काम किए मैंने, जैसे राख से बर्तन मांजना और पानी भी पत्नी कैसे कैसे अंगीठियों में गर्म करना, जो भी कुछ है, चलो वो सब तो हो गया जो हो गया, बट मैं उसमें भी बहुत इंजॉय करती थी। देखिए मौसम कितना खराब हो गया, बारिश आ रही है, थंडरिंग हो रही है, बट इतना अच्छा लग रहा है ना, इतनी गर्मी के बाद इतना सुकून वाला मौसम हो गया ना। तो चलो वो मौसम अलग साइड में, मेरा अपना ये, तो ये सब मैंने सब अपना लिया, सब कुछ कर लिया। उसके बाद मैं लगी रहती थी काम करने, उनके ब्रेकफास्ट बनाना, फिर झाड़ू पोछा बर्तन करना, सब कुछ करना, बाहर से पानी भरना, हर एक काम मैं करती थी। चक्की चलाती थी तो चक्की चलाना, मतलब सब कुछ काम करती थी। तो मेरी शादी का हो गए थे अभी 8-10 महीने हो गए थे। 8-10 महीने भी क्यों हो गए थे, मतलब मैं प्रेग्नेंट थी, और प्रेग्नेंट के बाद भी मतलब मैं काम करती रहती थी, और जो मेरी सासू माँ की जो फ्रेंड्स हैं वो आती रहती थी, डेली का काम था उनका। वो दोपहर का टाइम मेरी सासू माँ के साथ ही बिताती थी, ये चारों की चौकड़ी होती थी। तो मैं उनको फिर बहुत अच्छा ट्रीट भी करती थी, ताई जी अब ये खा लीजिए, ये खा लीजिए, ये खा लीजिए। अच्छा मेरे को नहीं पता था कि इनको ऐसे बोलते हैं, बामनी आ गई, नान आ गई, ऐसे आ गई। तो एक दिन ये थोड़ी फन वाली बात है, मैंने एक दिन मेरी सास बोलती कहती कि कविता कौन आया है, तो मैंने कहा नान आई है। तो या जो दूसरी वाली फ्रेंड आई कौन आई है, मैंने कहा बामनी आई है। तो फिर उसके बाद जो तीसरी फ्रेंड आई मैंने कहा कौन है, उन्होंने पूछा कौन आई, मैंने कहा सुनारी आई है। तो ना मेरी सासू जी का मुंह इतना फक, और वो कहती कहती मेरा तमीज नहीं है तेरी बहू को, ऐसे करके बोलती। अब देखिए मेरी इसमें क्या गलती है, मैं जब शादी होकर आई थी मैं 18 साल की थी, मुझे इन सब चीज़ों की नॉलेज नहीं थी कि भाई मेरे को लगता था उनका नाम मतलब है, वो उनको ऐसे ही प्रोनाउंस करते हैं,
तो क्योंकि मेरे देवर वगैरह भी सब ऐसे ही करते थे कि नान आ गई, वो आ गई, वो आ गई। अच्छा, हमारे वहां पे होता था कि मिसेस शर्मा आई हैं या मिसेस वर्मा आई हैं या मिसेस गुप्ता आई हैं, ऐसा होता था। तो हमें नहीं पता था, हमें तो जैसे वो बोलते थे मैंने बोल दिया। बाद में फिर सासू जी ने डांटा कि लखन नहीं है, तमीज़ नहीं है, कि भाई कविता ऐसे कैसे तूने बोल दिया। तो मैंने कहा मम्मी जी मुझे क्या पता, मुझे तो लगता है ये। तो मैंने कहा मेरे को लगा उनका नाम नान है, उनका नाम वो है। तो मैंने ऐसे बोला था मिसेज नान आई हैं, मिसेज बामनी आई हैं, मिसेज वो आई हैं, सुनार आई हैं, ऐसे करके। मैंने ऐसे नहीं बोलता नान आई हैं। तो फिर बाद में मम्मी जी बोलते, कहते नहीं, कहते तो जात है उनकी। तो फिर तब मेरे को पता चला कि अच्छा, नायन, नाई की वाइफ नायन होती है। एंड वो जो हमने अपने स्कूल टाइम में पढ़ा था हिंदी में स्त्रीलिंग पुल्लिंग, तो वो ऐसी होती है, ब्राह्मण से ब्राह्मणी, ऐसे करके। तो ये नहीं पता था वो शॉर्ट फॉर्म क्या हुआ था। तो भाई सॉरी मांग रही हूँ कि मैं ऐसे कोई मेरा जाति वाति वाला कोई ऐसा इसमें है नहीं रिलेटेड, लेकिन मैं एक जो फन की बात है मैं वो बता रही हूँ। तो ये मेरे सासू माँ की फ्रेंड्स थी, तो वो आपस में बातें करती रहती थी। मेरे को बड़ा अच्छा लगता था उनके साथ, जब भी वो आती थी तो बड़ी चौगड़ी सी बन जाती थी उनकी, और बड़ी उनकी बातें चलती रहती थी। मैं अपना किचन में काम करती रहती थी, सुनती रहती थी। कभी मैं उनके लिए चाय बना के ले जा रही हूँ, कभी मैं उनके लिए कुछ ले जा रही हूँ, और बड़ा अच्छा लगता था, बड़ा अच्छा सा माहौल हो गया था। तो जब हमारी जो ये मिसेज बामनी आंटी हैं, इनकी जब इनकी बेटों की शादी हुई, तो इनकी जब बहू आई, तो उसके बाद अब पता नहीं वो कैसी बहू थी कैसी नहीं थी, मुझे तो पता नहीं क्योंकि मैं तो अपने घर में रहती थी। तो अब पता नहीं दुखी थी क्या थी, तो वो जान करके कि भाई इनके घर में क्यों इतना खुशनुमा माहौल है, तो मैं क्यों ना इनके अंदर एक सुर्री डालूं, सुर्री होता ना, सुर्री बॉम्ब, वो डालूं कि जिससे मैं आपस में बिगड़ जाए। तो हमारा सब कुछ बहुत अच्छा चल रहा था, मम्मी जी भी खुश, मैं भी खुश, मैं भी बिल्कुल अडॉप्ट कर लिया था सारा कल्चर सब कुछ, जो एक मैं अगेंस्ट थी पल्ले के, साड़ी के, चूड़ियों के, हर एक चीज़ के, तो मैंने सब कुछ अडॉप्ट कर लिया था बिकॉज इनके लिए। तो मैं बड़ी खुश थी, मैं बहुत हैप्पी थी, बहुत अच्छी तरीके से मेरे दिन बीत रहे। हालांकि बहुत इंटीरियर था वहां पर, उधर ऐसे खाने को कुछ नहीं मिलता था, कुछ ऐसे तुम डिजाइनर और फैशनेबल कपड़े नहीं पहन सकते थे, सिंपल सा था, तुम्हें घर से बाहर जाना भी अलाउड नहीं था। बट मैं फिर भी इंजॉय कर रही थी, मैं बहुत इंजॉय कर रही थी। तो जब उनकी बहू आई, उनकी बहू जब आई, तो जब वो अपनी बहू के पास रहती थी, लेकिन जो वो एक टाइम था उनका पर्टिकुलर हमारे घर पे आने का, वो नहीं उनका रुका, वो आती थी। और फिर जब वो आती थी ना, फिर जैसे मैं उनको 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 मुझे पता था कि उनको स्टील में भर के ग्लास में चाय चाहिए, तो मैं उनको दे देती थी। तो वो बल्कि बोलती थी कि मेरा बहू को पता चल गया कि भाई भाई माने ग्लास में चाय चाहिए। तो एज यूजल उसी टाइम पे जैसे वो घर आती थी हमारे, वो जो दोपहर का टाइम था, जो इनका मंडली का मिलने का टाइम होता था, तो एज यूजल उसी टाइम पे आई। और उस दिन थोड़ी अपसेट थी, तो हमारे यहाँ पे तो बड़ा खुशनुमा माहौल था, तो अपसेट थी। तो उन्होंने बोला, कहते कि सबके बीच में बोला, और स्पेशली मम्मी जी को करके बोला कि बेरा मेरी बहू तो यूं है कि मैं यूं थूकूं तो वह यूं ओट ले, ऐसे करके बोला। अच्छा, मेरी शादी को तो काफ़ी टाइम हो गया था, उनकी नई नई बहू आई थी। तो मम्मी जी ने कुछ नहीं बोला, मम्मी जी की एक खासियत होती थी वो कभी कुछ नहीं बोलती थी, तो उन्होंने कुछ नहीं बोला। लेकिन जो दूसरी वाली थी ना, तो वो कहती कहती बेरा थारी किस्मत तो अच्छी सै, ऐसे करके उन्होंने बोला। तो मेरे को कहीं ना कहीं अंदर चुभा कि भाई मेरे को क्यों ऐसा क्यों बोला जा रहा है कि भाई थारी किस्मत तो अच्छी है, ये क्यों नहीं कहा कि भाई मतलब मिसेस गुप्ता जो बनियानी, तेरी किस्मत भी अच्छी है भाई, तेरी बहू इतनी अच्छी आई है भाई, लगी रहती है काम करने। जैसे उसने हालांकि स्कूल से आई थी, स्कर्ट पहनती थी, फिर भी साड़ी भी पहन ली, सब कुछ पहना, लेकिन उनके लिए वो वैल्यू नहीं करता कि वो कैसे कहाँ से आई है, उसने पहले क्या पहनती थी, वो अब क्या पहन रही है, उसको कितनी डिफिकल्टी हो रही है। उनको कोई मैटर नहीं करता, उनको सिर्फ ये मैटर करता है बस बहू होनी चाहिए, वो एक गधी होनी चाहिए और एक नौकरानी होनी चाहिए, और वो करती रहनी चाहिए काम, और वो सजी धजी होनी चाहिए, सर पे पल्ला रख के, घूंघट रख के, और बस करती रहे, छन छन करती रहे, और छम छम करती रहे, और काम करती रहे, काम करती रहे, काम करती रहे, बस चू भी ना बोले, और ये भी ना बोले कि जी मेरे को गर्मी लग रही है, मेरे को वो लग रही है। मुझे लगता है शायद ऐसी चाहती हैं सारी की सारी सासे। तो ये बात आई गई होगी, और बट मेरे को तो चुभ ही रही वो वाली बात। तो फिर मैं ना सोचते सोचते मेरे दिन ऐसे निकलते चले गए। तो मेरी बड़ी बेटी भी हुई, फिर छोटी भी हुई। आपको मैंने प्रीवियस उसमें बताया था कि मेरी सास को मोनोपॉज की प्रॉब्लम आई हुई थी, तो सास को मोनोपॉज की प्रॉब्लम चली हुई थी। अब इनकी इतनी प्रॉब्लम थी, मैंने अपनी मदर को भी देखा है, मोनोपॉज में मेरी मदर को बहुत तकलीफ होती थी, और मेरे फादर बहुत सेवा करते थे उस समय मेरी मदर की।
तो मैंने देखा यहाँ इधर मदर इन लॉ को भी सेम वही प्रॉब्लम आ रही है, और उनको इतनी ब्लीडिंग होती थी, इतनी ब्लीडिंग होती थी, इतने क्लॉटिंग होती थी उनको, कि एक बार ऐसा था कि मैं ऊपर ऊपर वाले सेकंड फ्लोर से जब मैं नीचे आई, और मेरे पास ऑलवेज हैंकी रहता था, हैंकी टॉवल मेरे पास रहता था, मैं जहाँ भी जाती हूँ मेरे पास एक हैंकी रहता है, मेरे पास आज भी वो पड़ा हुआ है हैंकी मेरे पास। अब ये देखिए कितने स्वेटिंग हो रही है, बट लेकिन मैं अभी साफ नहीं कर सकती इसको, तो हमेशा मेरे पास एक टॉवल रहता है छोटा सा, तो मैं वो टॉवल लेकर के मैं नीचे आई, तो देखा कि वहाँ पे फादर इन लॉ बैठे हैं, मेरे हस्बैंड बैठे हैं, मेरी नंद बैठी है, मेरे दोनों देवर बैठे हैं, तो एक रूम में ऐसे चौगड़ी सी बना करके वो बैठे हुए हैं। इतने में मैं आ गई, अभी मैं खड़ी ही हुई थी, तो इतने में मम्मी जी एकदम उठ करके भागी वॉशरूम की तरफ। अब जब उठ के भागी है तो उनका जो वो उन्होंने एक पैड रखा हुआ था, पैड क्या था वो एक कॉटन था, वो फच से नीचे गिरा, तो वो कपड़ा नीचे गिरा, ब्लड और एकदम स्प्लैश ऐसा हो गया। तो अब जो मेरी नंद थी वो अनमेरिड थी, वो थोड़ा सा यूं हो गई, देवर भी देख करके अनदेखा कर दिया, ससुर ने भी देख के अनदेखा कर दिया, और मेरे हस्बैंड को भी थोड़ा सा अजीब सा फील हुआ। तो बट मैंने क्या किया, मैंने वो टॉवल लिया, फटाक से उसके ऊपर डाला और ऐसे बटोरा सब कुछ एकदम ऐसे साफ करके अपने हाथ से, जितना टॉवल में आया उतना टॉवल में, और बाकी पूरा हाथ से क्लीन अप करके मैं ऊपर भाग गई, क्योंकि नीचे वॉशबेसन तो था ही नहीं, अंदर किचन थी, टॉयलेट बाहर थी, तो वॉशरूम नहीं था वहां पर उधर, तो फिर मैं लेकर के सीधा अपने ऊपर भागी हूँ, और वहां जाकर के मैंने उसको क्लीन अप किया है, क्लीन करके फिर मैं फट से वो गीला टॉवल आई हूँ, और जो बाकी का रह गया था उसको भी मैंने समेट लिया। जो मदर इन लॉ थी वो अभी तक वॉशरूम में ही थी, और क्या कहते हैं, मैंने सारा क्लीन अप कर लिया। अच्छा, क्लीन करने के बाद फिर मैं नीचे नहीं आई, पता नहीं क्या बात हुई होंगी इनके आपस में, क्या बात नहीं हुई होंगी, लेकिन जो मतलब मेरी मदर इन लॉ थी उनको तो पता चल ही गया होगा, चाहे वो सास से ससुर से पता चला हो, चाहे वो मेरी नंद से, चाहे वो देवरों से, चाहे वो मेरे हस्बैंड से पता चला हो, पता तो चल ही गया था। तो फिर उसके बाद बात आई गई होगी, तो उस इनका जो ये था मोनोपॉज का जो सिस्टम था वो पूरे 10 साल तक चलता रहा, इतने 10 साल तक तकलीफ पाती रही वो। और मेरे हस्बैंड ने ये बोल दिया था, कहते कि कविता जहाँ भी हम जाएंगे डॉक्टर के पास जाएंगे तूने साथ चलना है। तो मैंने कहा क्यों, कहते नहीं तू बहुत अच्छी तरह से टेक केयर करती है मम्मी की, भाई तूने साथ चलना है। तो मैंने कहा मेरे तो बच्चे छोटे छोटे से, अभी दोनों छोटियाँ लड़कियाँ हैं, कैसे होगा क्या होगा। कहते नहीं नहीं वो संभू संभाल लेगी उनकी, भाई तूने ही चलना है साथ। तो मैंने कहा ठीक है। तो मैंने कहा आपको कैसे पता मैं अच्छे टेक केयर करूँगी। कहते नहीं नहीं मुझे पता है। तो दैट मीन्स बात हो चुकी थी, और मदर इन लॉ ने भी ये कह दिया था कि भाई कविता को साथ लेके चलना है, जहाँ भी साथ लेके चलना है। ये क्या पता क्या बोला था क्या नहीं बोला था, लेकिन उसके बाद जब डॉक्टर्स ने कहा उनको रेस्ट के लिए और अच्छी डाइट देने के लिए, तो मैंने पूरी प्रॉपर अच्छी तरह से उनको रेस्ट दिया, पूरी अच्छी तरह से उनको डाइट दी, सब कुछ, जूस के टाइम पे जूस दिया, हर एक चीज़ दिया, मतलब उनको अच्छी तरह से बोलना तो नहीं चाहिए, गाना तो नहीं चाहिए, लेकिन यह है कि हाँ मैं जैसे जो लेडीज़ ये कहती हैं, जैसे हमारे यहाँ पर आते हैं कोर्ट में भी आते हैं, और ह्यूमन राइट काउंसिल मेंबर्स में भी, जैसे उसमें भी, जैसे मैं मेंबर हूँ तो उसमें भी आती हैं औरतें, रोती रहती हैं कि हम इतना करते हैं इतना करते हैं, कुछ असर नहीं होता, एक मीठे शब्द नहीं बोलती, कुछ नहीं बोलती। तब मैं इसको, इस टॉपिक को तभी मैं बोलने लगी हूँ कि भाई उन्होंने भी आज तक एक शब्द नहीं बोला। लेकिन मैंने बोला, मैंने कहा चलो कोई बात नहीं, एक शब्द नहीं बोला, लेकिन चलो तुम्हें पता तो है, तुम्हारी अंतरात्मा को पता है कि कविता ने किया है ये मेरा, और वो तुम्हें याद रहेगा जो वो कहती थी कि भाई मेरी बहू, मैं यूं होटूं और मेरी, मैं यूं थूकूं तो मेरी बहू यूं होट ले। मैं कहा तुम्हें वो भी याद होगा, ऐसा नहीं है कि, क्योंकि मम्मी जी को तो खैर बहुत पहले पहले की बातें सारी याद रहती थी। तो फिर मैंने तब अब रियलाइज़ किया, ये जैसे अब वो नहीं है इस दुनिया में, और जैसे मैं लोगों की प्रॉब्लम सुनती हूँ तो मुझे ऐसा लगता है कि यार ये तो बहुत छोटी सी प्रॉब्लम है, मैं तो इतनी बड़ी बड़ी फेस की हुई हैं प्रॉब्लम्स, ये तो छोटी छोटी प्रॉब्लम्स हैं, तुम क्यों चाहती हो कि तुम्हारी अप्रिसिएशन की जाए, तुम क्यों चाहती हो कि तुम्हारी बड़ाई की जाए। वहाँ पे बैठे हैं चंद्रगुप्त जी, जब वो सारे पन्ने खोलेंगे और वो बताएंगे कि देखो जिसको तुम बहू को गलत बोलती थी वो बहू ने तो देखो तुम्हारे ऐसे किया था, तुम्हारे वैसे किया था, तुम्हारा सारा ब्लड ऐसे उठा के ले गई थी, तुम्हारे यहाँ पे इधर उसने शुशु साफ किया, तुम्हारे वहाँ पे उधर उसने पॉटी साफ की, ये देखो ऐसे करो, आजकल की बहुएं कहाँ करती हैं। और उस टाइम की बहुएं भी, मतलब जो मेरे टाइम की बहुएं भी नहीं करती थी, जिस लेडी ने ये कहा था कि मैं यूं थूको यूं और दू, तो जब उनकी मदर इन लॉ के जब वो मोनोपॉज से गुजर रही थी तो वो ना दुपट्टा लेकर के ऐसे करके गंदे गंदे मुंह बनाती थी। तो अब वो सास भी लेटी लेटी देख रही थी कि देखो ये कैसे गंदे गंदे मुंह बना रही है। लेकिन चलो किसी को पता हो ना हो, लेकिन मेरे को तो ये था ना कि भाई चलो मैंने तो एक किया अपना,
जो कहते हैं कि जो बहू आती है तो वो एक सेवा करती है, तो वो मैंने तो की है अपनी तरफ से, तो इसलिए मैं तो नहीं इस चीज़ को मैं ये कहूँगी कि भाई नहीं मैंने सेवा नहीं की है, मैंने की है। चलो कोई बात नहीं, मैंने करके, कहते हैं ना कि कर नेकी कर और दरिया में डाल, तो मैं नेकी करती गई दरिया में डालती गई, नेकी करती गई दरिया में डालती गई। तो अब जब मेरा मोनोपोज का टाइम आया तो मेरे को ये लगा कि भाई मेरी हालत भी इनके जैसी ही होने वाली है, मेरी मदर की तरफ से और मेरी सासू माँ की तरफ से। मैंने कहा कौन करेगा मेरा, क्योंकि मेरे हस्बैंड तब करते थे कि भाई उनको अच्छा बेटा बनना था। अब अच्छा पति तो वो क्या बनेंगे, किसके लिए बनेंगे, कोई उसको कोई उनको ताना मार देगा कि भाई अच्छा अपनी बीवी के को लेकर के घूमता रहता है, भाई मार देंगे ताना तो वो वहीं बैठ जाएंगे। तो इसलिए मैं बड़ा डरी थी, मैंने कहा कि भाई पता नहीं ये करेंगे नहीं करेंगे मेरा, और मोनोपॉज तो मेरा बहुत ही खतरनाक जाने वाला है। मम्मी का भी ऐसे ही हुआ था, सासू माँ का भी ऐसे ही हुआ था, तो मेरा बहुत खतरनाक जाने वाला है। और स्टार्ट हो भी गया था, 2019 की बात है, स्टार्ट हो भी गया था होना ऐसे। और मैं एक बार गई थी डॉक्टर को दिखाने, तो डॉक्टर को दिखाने गई, उसके बाद आप यकीन नहीं मानोगे मैं नेक्स्ट मंथ में गई नहीं, और वो 20 जून है, 2019 का 20 जून है। उसके बाद तो फिर टाटा बाय बाय कर दिया उसने, मोनोपॉज ने, बहुत ही आराम से। और उसके बाद तो मेरी लाइफ इतनी अच्छी हो गई, जो मतलब मेरे को ऐसा लगता था हाय हर महीने पीरियड्स आएंगे, हर महीने पेन होगी, हर महीने कैसे करूँगी मैं, मतलब एग्ज़ाम्स के टाइम पे भी कितना मुश्किल होता था मेरे को एग्ज़ाम्स देना, तो मतलब मेरे को बच्चे कैसे मैं करूँगी, भी खाना बनाना सब कुछ करना। उसके बाद तो आह, उसके बाद तो ऐसा लगने लगा कि जैसे कि वो नहीं होती कि मतलब जिसको हम कहेंगे अनमैरिड, जैसे पीरियड्स होने से पहले जो लड़की होती है बड़ी छंद और बड़ी मस्त और फ्री, तो वो वाली हालत मेरी अब मेरे को लगती है कि भाई। और ये मेरे को क्यों हुआ, क्योंकि मेरे को मिला सासू माँ जी का आशीर्वाद, क्योंकि कहीं ना कहीं उन्होंने देखा था, उनको पता था कि भाई मैंने उनकी ऐसे हेल्प की है, और मैंने बहुत बार उनकी ऐसे हेल्प की थी उस टाइम पे, और तो कहीं ना कहीं उनको पता था कि भाई कविता ने ऐसा किया है, तो उन्होंने आशीर्वाद दिया होगा। तो तभी मेरे को शायद ये मोनोपॉज मेरा बहुत इजीली टाटा बाय बाय करके चला गया, और मैं बहुत इजीली और बहुत ही फ्री वाली लाइफ में बिता रही हूँ और अपनी लाइफ इंजॉय कर रही हूँ विदाउट इन सब टेंशनों के। तो गाइज ऐसा नहीं है कि अगर आप कोई अच्छा काम करते हैं या कोई किसी की सेवा करते हैं तो आपको उसका फल नहीं मिलता, उसका फल मिलता है। और अगर वो कोई आपकी तारीफ नहीं कर रहा, कोई बात नहीं मत करने दो, तुम्हें तो इस सेटिस्फेक्शन रहेगी ना कि मैंने किया था, मैंने किया था। और जो आगे, जो जैसे आगे कोई प्रॉब्लम आने वाली है वो एकदम सॉल्व हो जाएगी। जैसे मेरा मोनोपॉज एकदम सॉल्व हो गया कि भाई मेरे को तकलीफ ही नहीं हुई, मेरे को ना वो बेड रेस्ट करने की जरूरत पड़ी, ना मेरे को वो इतना गंद होने की जरूरत पड़ी, और एकदम सब कुछ स्मूथली मेरा सारा ये काम हो गया। तो मैं इसलिए कहती हूँ कि चिंता मत करा करो, अगर कोई तुम्हें अप्रिशिएट नहीं करता कोई बात नहीं, अपना वर्क करो, अपनी जिम्मेवारी करो, अपना फ़र्ज निभाओ और डालते रहो। जैसे कहते हैं ना, पैसे लेते हैं और डालते रहते हैं बैंक के अंदर, डिपॉजिट करते रहते हैं, तो वो इकट्ठे होते रहते हैं तुम्हारे। तो ऐसे ही नेक काम करो और इकट्ठे करते रहो, नेक काम करो, फेंक दो दरिया में, दरिया में नहीं गंगा जी में फेंक दो, बोलो गंगा जी समर्पित किया मैंने आपको, ये नेक काम किया समर्पित किया, तो आप देखोगे आपको इतनी संतुष्टि मिलेगी और आपको इतना अच्छा लगेगा ना। क्योंकि देखिए एक चीज़ तो मैंने ये चीज़ जानी है, जैसे मैं भागवत पढ़ती हूँ तो भागवत से मैंने एक चीज़ तो जाना है कि भाई कर्म का फल तो मिलता है। मैं ये नहीं कह रही उन्होंने कोई बुरा कर्म किया था, बुरा कर्म उन्होंने कुछ नहीं किया, लेकिन ये है कि अगर दो शब्द बोल देती एप्रिसिएशन के तो मुझे बड़ा अच्छा लगता है। जैसे आज सारी तड़प रही हैं बहुएं कि हमें तो कोई एप्रिसिएशन के दो शब्द भी नहीं बोलता, चलो नहीं भी बोले, लेकिन अब देखो इमेजिन करो कि जब वो चंद्रगुप्त जी पन्ने खोल रहे होंगे, उनका जब हिसाब किताब देख रहे होंगे, तो वो बोलेंगे नहीं कि देखो तुम्हारी बहू, तुम तो इतनी बुराई कर रही हो, तुम्हारी बहू तो देखो कितना काम करती थी, तुम्हारा ऐसे करती थी ऐसे करती थी, तो उनको कितना हैरानी होगी। आज नहीं चलो ऊपर जाके तो पता चल ही रहा होगा उनको। तो मैं यही बोलती हूँ आपको कि भाई अगर नहीं, अगर आपकी कोई तारीफ कर रहा कोई बात नहीं, आप अपना कर्म करे जाओ। अगर कोई गाली दे रहा आपको या अगर कोई बुरा भला बोल रहा है, पलट के मत बोलो, और लेकिन अपने काम करते चले जाओ। जैसे कि शादी से पहले मैं अगेंस्ट थी पल्ले के, साड़ी के, और ये चूड़ियों वूड़ियों के। मैं इसके लिए भी एक और बार मैं बताऊंगी आपको किस्सा कि ये चूड़ी वूड़ी से मेरे को क्यों एलर्जी थी, ये छन छन छम छम से मेरे को क्यों एलर्जी थी, और इन सब चीज़ों से मेरे को एलर्जी थी, लेकिन मैंने बहुत खुशी खुशी उसको अडॉप्ट किया। क्यों? क्योंकि जिसके साथ तुम गए हो तुम उसको प्यार करते हो ना, उसको प्यार करते हो तो तुम उसकी सारी बात नहीं मानोगे, उसकी मम्मी की सारी बात नहीं मानोगे, उसके पापा की, उसके भाई बहनों की सारी बात नहीं मानोगे। अगर तुम प्यार करते हो तो, अगर तुम बहुत प्यार करते हो उसको, तो तुम सब कुछ उसके लिए बिछने को तैयार हो जाओगे। तो यही मैं कहती हूँ, अगर जब प्यार ही नहीं है तुम में, तो तभी तो तुम नुक्ताचीनी निकालोगे
कि मैं ये नहीं कर रही, मैं ये नहीं कर रही, मैं ऐसा क्यों करूँ, मैं वैसा क्यों करूँ। लेकिन जब तुम अपने हस्बैंड से बहुत प्यार करते होंगे ना, तो भाई पता नहीं मुझे तो आप लोग करते हैं या नहीं करते, मैं तो बहुत एक्सट्रीम प्यार करती हूँ। और मेरे लिए, मैं तो कहते हैं ना कि भाई कुछ भी करने को तैयार हूँ मैं इनके लिए। तो वो साड़ी किया, पल्ला किया, चूड़ियाँ किया, ये तो बहुत छोटी सी चीज़ है। मैंने तो इतनी मेहनत की है, मतलब मैं 18 साल की आई थी, मैंने इतनी मेहनत की है, इतना हार्ड वर्क किया है शादी के बाद कि बस मैं देख देख करके हैरान होती हूँ लड़कियों को कि वो कैसे होती है छोटी छोटी बात पर। हमें ये कह दिया, हमें 2 कप मांझने के लिए कह दिए, हमें 1 चाय का बर्तन मांझने के लिए कह दिया, और बताइए देखिए हमें कह दिया। गेस्ट घर में आए और मैंने 2 कप चाय बनाई तो मुझे 2 कप प्लेट और मुझे पतीला मांझने के लिए कह दिया मम्मी जी ने। हैरानी होती, मैंने इतने ढेर बर्तन मांझे, इतने सारे बर्तन मांझे, इतने बड़े बड़े बर्तन मांझे, बट मैंने आज तक कभी कंप्लेन नहीं की अपने हस्बैंड को कि भाई मेरे को नहीं आते और मैं कैसे मांझू, दर्द होता था हाथ में। बट लेकिन वही वाली बात आ गई, जब आप अपने हस्बैंड से प्यार करोगे तो ये सारे काम भी बहुत प्यार से करोगे, बहुत अच्छा लगेगा उनको जब देखोगे कि हाँ भाई देखो मैंने अपने हस्बैंड की मम्मी का काम ये मैंने कर दिया। चलो ठीक है, तो मैं ये नहीं फीलिंग आती कि वो मेरी मम्मी है, लेकिन ये तो फीलिंग आएगी कि मेरे हस्बैंड की मम्मी है, उनको खुश रखना है मैंने, उनको अगर मैं खुश रखूँगी तो मेरे हस्बैंड खुश होंगे मेरे से। तो ऐसी ही फीलिंग से मैं गुजरती रही, सबकी फीलिंग अडॉप्ट करती रही और सबको खुश करती रही। तो देखिए उनकी ब्लेसिंग कहीं ना कहीं लगी ना मुझे। तो जैसे फिर मैंने उसके बाद शादी के बाद मैंने पढ़ाई की, फिर टीचर की जॉब आई, मेरी गवर्नमेंट जॉब आई, मखौल नहीं है लेक्चरर की जॉब आना। आज पे स्केल देखो कितनी जा रही है, पे स्केल 6 पे कमीशन 7 पे कमीशन से पे स्केल कितना एकदम छलांग लगा दी थी। तो मेरी तो 7 पे कमीशन के बाद मेरी तो आई थी ये जॉब 6 पे कमीशन के बाद। तो ये देखो कि भाई कितना, मतलब आज मेरी पे होती और आज मैं आराम से रह रही होती, कोई बात नहीं। शायद मेरी किस्मत में नहीं था टीचर बनना, मेरी किस्मत में एडवोकेट बनना था तो मैं एडवोकेट बन गई। उसके बाद देखो मेरे को उनका आशीर्वाद मिला तो मैंने पढ़ाई की अपनी एडवोकेसी की, अपने मेरी बड़ी बेटी जो है उसको अच्छी तरह से पढ़ाया लिखाया, इंफोसिस में इंजीनियर बनाया, आज देखो कहाँ अमेरिका में है, सन इन लॉ भी अमेरिका है और जो देवता है वो अमेरिका बॉर्न है और अमेरिका की सिटीजनशिप उसको मिली हुई है, और जो बेटी है, दूसरी बेटी है, वो भी एडवोकेट है, और जो बेटा है उसकी मैं लॉ की तैयारी करा ही रही हूँ, वो भी एडवोकेट बन जाएगा थोड़े दिनों में। और देखिए मैं खुद पढ़ाती हूँ, मैं ऐसा कोई नहीं है कि भाई मैं नहीं पढ़ा रही, मैंने ट्यूशन्स लगवा रखे हैं या कुछ कर रखे हैं। कई होती है औरतें, मैं देखती हूँ यूट्यूब में, कई होती हैं औरतें कि खुद तो मतलब पढ़ाती हैं, बाहर जाके पढ़ाती हैं, लेकिन अपने बच्चों को ट्यूशन्स भेजती हैं। अब देखिए मैं, मेरे को कौन सा लॉ आता था, मैंने भी तो यूट्यूब से पढ़ पढ़ करके लॉ सीखा, अपनी क्लासेस में जा जाकर लॉ सीखा, वही मैं अपने बच्चों को सिखा रही हूँ। तो यही होता है, एज की कोई लिमिट नहीं होती, तुम कभी तक सीखते रहो, बस ये है कि तुम्हारे अपने बड़ों का आशीर्वाद अगर तुम्हें मिलता रहेगा तो तुम आगे गए सक्सेस करते चले जाओगे। तो मेरा ये टॉपिक यहीं तक ही था, और अगर आपको अच्छा लगे, वैसे अच्छा ही लगेगा, क्यों, क्योंकि सारी बहुएं सब चीज़ों से पीड़ित हो रही है कि भाई हमारी सासें हमें तारीफ़ नहीं करती, सासें तारीफ़ नहीं करती, वो करेंगी, वो एक दिन करेंगी, और अगर वो नहीं करेंगी तो उनको ऊपर करनी पड़ेगी तारीफ़ आपकी, बेफिक्र रहो। बट अपनी सेवा में ईमानदारी रखना, ऐसे नहीं कि दिखावे के लिए कर रहे हो। कहीं तो मैंने देखा बड़ी दिखावे के लिए करती हैं, उसके लिए भी मैं एक इंसिडेंस है, मैं सुनाती हूँ, बहुत छोटा सा इंसिडेंस है, वो मैं सुनाती हूँ, उससे रिलेटेड मैं एक किस्से सुनाती हूँ आपको। तो ये बात है 1988 की, 86 में शादी हुई, 1 साल बाद निधि हो गई मेरी बड़ी बेटी, और जब वो 1 साल की हुई तो वो 88 पे, तो मेरी नंद की शादी थी और हमें अपने स्टेट को छोड़ के दूसरे स्टेट पे जाना था और हमें जाना था मेरठ। तो मेरी नंद की जो रिश्ते में जो नंद है उनकी शादी थी, और वहाँ उधर कोई ऐसा कोई नहीं था, सर्वेंट वगैरह नहीं मिल रहा था, कुछ भी नहीं मिल रहा था। तो एज ए बहू, क्योंकि मैं सबसे बड़ी बहू थी तो मुझे ही करना पड़ना था सारा काम, तो इतनी बड़ी परात और इतना सारा आटा लिया और मैंने गूंदा, और मैं गूंद करके सबको खाना खिलाती थी, क्योंकि एज यूजुअल गेस्ट तो हमारे घर पर ही आएंगे क्योंकि हमारी नंद की शादी थी, तो नेचुरली। तो मॉर्निंग में भी, ब्रेकफास्ट भी, लंच भी एंड डिनर भी, तीनों टाइम का मैंने ही बनाना है। फिर शाम की डेगची में इतनी भर की चाय बनती थी, सबको चाय पिलानी, सब कुछ करना, तो वो सिर मेरे जिम्मे था तो मैं करती थी। तो जब भी कभी मैं इतना बड़ा आटा वाटा गूंद करके मैं बनाती थी खाना, सबको बना करके मैं रख देती थी, खिला देती थी, तो लास्ट का थोड़ा सा बच जाता था, जो हमारे जो सबसे बड़े हैं, जैसे मेरे ससुर हैं और जो मेरे ससुर के जो बड़े भाई थे वो खाएंगे। तो जैसे मैं बनाती रहती थी और लास्ट में जो बच जाता था, तो जो मेरी मासी हैं, जो जिनकी शादी में इन्होंने मुझे पसंद किया था, वो आ जाती थी और वो बोलती थी
कि कविता तू हट ला मैं बनाती हूँ। तो मैंने बोला, मैं कहा नहीं नहीं मौसी जी, मैं बना लूँगी आप रहने दीजिए। तो कहती नहीं नहीं तू हट, थक गई कितना, पसीना हो गया कितना, तू हट जा मैं बना देती हूँ। तो फिर मैं हट जाती थी। तो ऐसे करते 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 काफ़ी दिन बीत गए, 7-8 दिन बीत गए। तो मेरी मदर इन लॉ ने बोला, कहते कि भाई तू हट क्यों जाती है वहाँ से उधर से। तो मैंने बोला कि मौसी जी बोलती हैं तो मैं हट जाती हूँ। कहती ना हटना नहीं है आज। तो फिर उसके बाद मैंने बोला क्यों, तो क्यों नहीं हटना, मौसी जी इतने प्यार से बोलती हैं। तो कहते हैं कि भाई, क्योंकि जब भी मौसी जी बनाती थी खाना, तो जो मेरे फादर इन लॉ हैं और जो ताऊ जी हैं, वो ये बोलते थे वाह क्या खाना बनाया, वाह क्या खाना बनाया। मौसी जी का नाम ले ले करके बोलते थे वाह इसने तो बड़ा अच्छा खाना बनाया है, बहुत स्वाद है खाने में तो अच्छा। तो वो मेरी मदर इन्होंने फर्स्ट टाइम मेरे को ये बोला कि तूने उठना नहीं है, तू यहीं खाना बनाती रहेगी। और उस दिन क्या हुआ, मैं बैठी रही वहाँ उधर, खाना बनाती रही मैं। आई तो मौसी जी आई, उन्होंने बोला कि भाई कविता उठ ला मैं खाना बनाऊँ, देख तो कितनी थक गई है। तो मैंने बोला नहीं मौसी जी, मैं कहा रहने दीजिए, मैं कहा थोड़ा सा तो बचा है मैं बना लूँगी। तो वो लिटरली मेरे को धक्का दे रही है, उठ उठ ऐसे करके वो मेरे को बोल रही है। तो मैंने कहा रहने दो ना, मैंने कहा मैं खुद बना लूँगी ना, मैं जहाँ इतना सारा बनाया है इतना सा और बना लूँगी। तो फिर उसके बाद वो बिल्कुल ज़िद पे अड़ गई, पटरे के ऊपर बैठ गई और कह रही है कि ना हट तू, ऐसे करके ना वो बैठ गई ऐसे, मतलब वो ही दिखाना चाह रही थी कि ये सारा खाना मैं ही बना रही थी। और भाई मतलब एज एन आदर्शवादी बहू वो शो करना चाह रही थी। तो फिर मैंने बोला, तो फिर मैंने बोला नहीं मौसी जी, क्योंकि मेरे को तो आदेश था कि उठना नहीं है। तो मैंने बोला, मैं कहा नहीं मौसी जी मैं नहीं उठ रही, मैं कहा मैं ही बनाऊंगी खाना। तो ना पता नहीं क्या वो गुड़ गुड़ करती रही, बैठी रही लेकिन यहाँ इधर, तो वहीं बैठी रही मेरे पटड़े पे, और मैं छोटे से पटड़े पे बैठ के मैं खाना बना रही हूँ और वो मेरे पटड़े पे बैठी रही। फिर दूसरा पटड़ा लिया, वहीं बैठ गई, नीचे बैठ के बना रहे थे हम लोग ना, और वो नीचे ही बैठ के खा रहे थे। तो फिर उसके बाद फिर एज यूजुअल ससुर जी ने और ताऊ जी ने अप्रिशिएट किया, खाना बहुत टेस्टी है ये आज तो वही कभी। सॉरी वीडियो कटिंग हो गई थी। तो ताऊ जी ने कहा कि खाना बहुत टेस्टी है, कविता ने आज बहुत अच्छा खाना बनाया है। तो सासू जी ने कहा खाना तो रोज कविता ही बनाती है, बस वो आके बैठ जाती है थोड़ी देर के लिए। तो यहाँ पर सासू जी ने मेरी तरफदारी की और मुझे सिखाया कि थोड़ा तेज बन और मेरी तरफदारी की। तो गाइज मेरा ये टॉपिक यहीं तक, और आई होप आपको ये टॉपिक अच्छा लगा होगा। और जितनी भी जो बहुएं हैं जिनको ये शिकायत है कि भाई हमारी सासें हमारी तारीफ नहीं करती, वो अभी कंप्लेंट करना बंद कर देंगी, क्योंकि कहीं ना कहीं वो सासें जानती होती है कि भाई हाँ हमारी बहू हमारी इतनी सेवा कर रही है, तो वो जानती होती है और मन से आशीर्वाद देती हैं जैसे मैंने अभी आपको बताया। तो वो ये रोना छोड़ दें और तन मन से लगी रहें सेवा करने, अपना कर्म करने, और अगर कर्म अच्छे कर्म करते जाओगे तो नेचुरली अच्छा ही रिजल्ट उसका मिलेगा। तो मिलती हूँ मैं अगले वीडियो में, आई होप आपको ये मेरा वीडियो अच्छा लगा होगा बाकी वीडियो की तरह से। और इसी तरीके से लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा कविता गोयल्स वर्ल्ड को, और मैं इसी तरीके से नए नए वीडियोस आपके लिए लाती रहूँगी। और मिलती हूँ अगले, टिल देन बाय।